अगर आप भी सूर्य और अर्शदीप को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक नहीं, धोनी लगातार चार गेंदों पर चार विकेट चटकाकर खोला अपने पंजा, तो फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरे गिल और सूर्य के बल्ले की ऐसी आंधी आई कि अफ्रीका के सरजमी पर टीम इंडिया ने अपना झंडा गाड़ते हुए नया इतिहास लिख दिया। तो आखिर कैसे अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के बाद गिल और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने अपने नाम किया पहला T20। कैसे एक तरफा तरीके से भारत ने अफ्रीका को धूल चटाई, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, गिल और अर्शदीप में किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद जब डरबन के मैदान पर टीम इंडिया के सामने अफ्रीका की चुनौती आई, तब भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। अफ्रीका का गुरूर भी देखते ही बनता था। इस मुकाबले में सिक्का भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने पहले मेजबान अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। हालांकि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता था, क्योंकि अफ्रीका के पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन अफ्रीका को क्या पता था भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ने के लिए बेकरार है। जी हां, पिच की मदद से मिलते ही युवा जहीर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह ने तो पहले ओवर से अफ्रीका की हालत बद से बदतर कर दी है। जैसे ही वो गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स के तीनों विकेट उखाड़ कर अपना खाता खोल लिया। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को अपने जाल में फंसा कर पहले ओवर में अफ्रीका के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि कप्तान मार्करम और मिलर ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की। दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की पार्टनरशिप भी बनाई। मुकाबले में अफ्रीका वापसी करने लगी थी, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वो आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने पारी के 13वें ओवर में भी अफ्रीका को मार्करम और मार्को जॉनसन के रूप में दो झटके दिए। अपने चार ओवर के स्पेल में केवल 20 रन खर्च कर अफ्रीका की आंधी टीम यानी कि पांच बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी अफ्रीका की भारतीय गेंदबाजों ने तो 102 रनों पर समेट दिया। अब टीम इंडिया के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना कहां मुश्किल था, लेकिन अफ्रीका में भी दमखम है। केशव महाराज ने पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल का शिकार भी कर लिया था। जायसवाल शून्य के स्कोर पर वापस लौट गए। ऐसा लगा था कि अफ्रीका ये मुकाबला फंसा लेगी, लेकिन टीम में वापसी करने वाले शुभमन गिल के साथ मिलकर कप्तान सूर्य ने मोर्चा संभाला। सूर्य ने आते मिड विकेट के ऊपर से छक्के से अपना खाता खोल लिया था। गिल का भी जलवा देखने लायक था। दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अफ्रीकी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। टीम इंडिया को 6 ओवरों के पावर प्ले में ही 50 रनों के पास पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। केशव महाराज, तबरेज शमसी से लेकर लुंगी एनकेडी मार्को जॉनसन, हर किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन दोनों के आगे किसी की एक न चली। टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने वापसी के साथ ही अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। सूर्या भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ निभा रहे थे। पारी के 14वें ओवर में शमसी की गेंद पर सूर्या ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो अगली गेंद पर शुभमन गिल ने दो कदम आगे निकालकर गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारा और धोनी के अंदाज में टीम इंडिया को 9 विकेट से एक अद्भुत जीत दिलाकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना दी। अफ्रीकी खिलाड़ियों को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर कैसे टीम इंडिया ने उन्हीं के घर में आकर उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद विश्व कप की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से तो टीम इंडिया ने बड़ी ही बेरहमी से बदला लिया। 4-1 से हमने उन्हें अपने ही सरजमी पर बुरी तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन सी है। तो इसके बाद अब कारवां चल जाता है 2024 की ओर, जहां T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल बड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई, तब ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान सूर्य की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, पर दोस्तों शानदार फॉर्म चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए हेनरिक क्लासेन ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर भारतीय लेना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात यह है कि दूसरी तरफ से तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, एक समय तो ऐसा था कि लगा कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडन मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना नहीं छोड़ा और दूसरी तरफ से भी
उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 208 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही है टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी है। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ विकेट अर्शदीप के स्टार पर था। इसको लक्ष्य को जल्दी हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए सनी की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतर जाती है। दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा दिखाना दुनिया को शुरू कर दिया। आपको बताते जाएं, एक तरफ यशस्वी ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गर्जा। 6 ओवरों में बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां, नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया को कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर क्या होता है, अफ्रीका की वापसी का शंखनाद तबरेज शमसी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली ही गेंद पर यशस्वी को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन को लौट गया। यशस्वी ने भी 43 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम सी लगा दी थी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहां से वापसी फिर कर पाना मुश्किल है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने भारतीयों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के लगातार। सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी खूब साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे लुंगी एंगिरी। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर एंगिरी ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंद पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, हर तरफ सन्नाटा था, पर दोस्तों जबकि आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्य ने उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंकी, पर सूर्य से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। सूर्य ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए कि आखिर यह हुआ क्या, लेकिन सूर्य ने एक बार फिर साबित किया कि आखिर क्यों वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है और अकेले ही अपने अफ्रीका को तहस नहस कर रख दिया। इंडिया और अफ्रीका विश्व कप की 2 सबसे बड़ी टीमें हैं, जिन्हें चोकर्स का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अफ्रीका तो पहले से ही मानी जाती रही, लेकिन अब तो टीम इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर हुई, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को फाइनल में हराकर 6वें वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम कर लिया। हालांकि उन जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवा बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू होने वाला है अफ्रीका दौरा। यहां 3 T20 मुकाबले के साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है, साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहां समा बांधा जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है और इंडिया का अफ्रीका दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच रायबरेली में एक नया इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। हालांकि कहीं न कहीं यह माना जाए कि टीम इंडिया अफ्रीका से कहीं आगे है, तो यह गलत नहीं होगा। विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था, लेकिन अब हमें अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाकर अपनी बादशाहत कायम करनी है। हालांकि यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है। शायद इसी बात को समझते हुए अब अफ्रीका के 2 दिग्गज खिलाड़ियों एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया से बदला लेने की बात कह दी है। जी हां, एक तरफ जहां डिकॉक ने कहा कि हम भारतीय टीम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, यदि सच कहूं तो नर्वस मुझे नहीं टीम इंडिया को होना चाहिए। पिछली बार भी जब भारत अफ्रीका आई थी तो हमने उन्हें हराया था और अब तो हमारे पास वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का भी चांस है, तो ऐसे में हम इस सीरीज का इंतजार ही कर रहे थे।
हम टीम इंडिया का अच्छे से स्वागत करेंगे और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें यह सीरीज जीतने का मौका हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। वहीं एबी डिविलियर्स ने कहा है कि मुझे भारत में बहुत प्यार मिला, भारत मेरा दूसरा घर है, लेकिन सच कहूं तो वर्तमान में अफ्रीका टीम इंडिया से कहीं ज्यादा मजबूत है, ये बात सबने देख रखा है। वर्ल्ड कप का मैच तो भारत में हुआ इसीलिए उससे टीम इंडिया जीती, लेकिन यह सीरीज हमारे घर पर है और हम अपने घर में किसी को भी जीतने नहीं देंगे, यह इतिहास रहा है। भारत जब भी अफ्रीका आया है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है और इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी, टीम इंडिया को हम बुरी तरीके से हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया का मजाक बना दिया, लेकिन ऐसे में जब पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था तो अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद पठान ब्रदर्स सामने आए, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन यह सोच लेना कि हमें कोई हरा नहीं सकते बर्बादी की निशानी है।